अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल लगे एक सौखी और बहुत ही मज़े की रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आज बना रही हूँ मैं चिकन कढ़ाई बहुत ही आसान बहुत सिंपल बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छी बहुत मज़े की चिकन कढ़ाई आप घर पर बना सकते हैं बहुत ही सिंपल आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि आप इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़े की रेसिपी है रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक वड्डी सी कढ़ाई ले ली है उसमें एक कप ऑयल डाल दिया है और दो किलो इस रेसिपी के लिए मैंने चिकन लिया है चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था पानी खुश कर लिया था अब इस ऑयल को गर्म करने के बाद इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है चिकन डालने के बाद हमने इस चिकन को इसके अंदर करना है फ्राई ताकि ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए और सील बंद हो जाए तो यहाँ पे ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो चुका है इसे में से निकाल लें ये चिकन मैंने निकाल लिया है और इसको मैंने एक प्लेट के अंदर रख लिया है अब जो कढ़ाही थी मेरे पास थी छोटी तो मैंने बर्तन चेंज किया और उसके अंदर वही वाला ऑयल डाल दिया और इसके अंदर तीन से चार कटे हुए प्याज़ डाल दिए प्याज़ों की कटिंग आप किसी भी टाइप की कर सकते हैं अब इस ऑयल के अंदर हमने प्याज़ों को बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेना है गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तो दो खाने के चम्मच इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें लहसुन अदर के पेस्ट को भी प्याजों के साथ बहुत अच्छे से फ्राई कर लें अब जी पेस्ट को अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने टमाटर डाल हैं यहाँ पे टमाटरों को मैंने गोल गोल काट लिया है पाँच से छः टमाटर लिए हैं आप चाहें तो इसका पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं चाहे तो काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो गोल गोल कटे हुए टमाटर जल्दी गलते हैं इसलिए इस तरह से काटें आधा कप इसके अंदर पानी शामिल कर दें इसको कवर कर दें और अब इसको दस मिनट के लिए इतना पकाएँ कि ये टमाटर और प्याज अच्छे से गल जाएँ टमाटर प्याज अच्छे से गल चुके हैं अब इसके अंदर दो चाय के चम्मच नमक डाल दें एक खाने का चम्मच कुटी हुई सुरख मिर्च डाल दें एक खाने का चम्मच इसके अंदर कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दें ढाई चाय के चम्मच मोटी मोटी कुटी हुई काली मिर्च इसके अंदर डाल दें एक खाने का चम्मच इसके अंदर साबित ज़ीरा डाल दें अब इन मसालों को कर लें जी बहुत अच्छी तरह से मिक्स फ्राई करने की बहुत ज़रूरत नहीं है बस मिक्स करें और इसके अंदर जो हमने चिकन फ्राई करके रखा था वो सारा इसके अंदर डाल दें चिकन को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमने डालना है दो कप के करीब दही दही डालने के बाद आप इसे कवर करके भी पका सकते हैं और इसे तेज़ आ कर के भून के भी पका सकते हैं तो मैं इसे तेज़ आ करके भून के ही पकाऊंगी इसे कवर नहीं करूंगी क्योंकि दही बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देगा तो अब 10 से 15 मिनट इसको तेज़ आ के ऊपर अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है दही का पानी खुश्क हो जाएगा और हमारा चिकन भी गल जाएगा यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसे कवर करके भी दही के पानी को खुश्क कर सकते हैं चाहें तो इसको ऐसे ओपन भी पका सकते हैं तो अब इसके अंदर जी दो से तीन कटी हुई सब्ज मिर्चें डाल दें लंबा लंबा और बारीक कटा हुआ कुछ अदरक भी इसके अंदर डाल दें अच्छे से इसको मिक्स कर लें थोड़ा सा पका लें ताकि अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर चार से पाँच खाने के चम्मच कसूरी मेथी डालनी है ये होममेड है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से देख लें ये कैसे बनी है और चार से पाँच ही इसके अंदर साबित सब्ज़ मिर्चें भी डाल दें अब इन दोनों चीज़ों को भी बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दें अच्छे से मिक्स कर लें चिकन कढ़ाई हमारी तकरीबन तैयार है लेकिन इसमें एक चीज़ रहती है जो हम बिल्कुल लास्ट में इसके अंदर शामिल करेंगे वो है जी मक्खन मक्खन चार से पाँच खाने के चम्मच इसके अंदर डाल लेंगे लेकिन अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं मखन को कढ़ाई के अंदर एंड पे शामिल करें ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू कढ़ाई में आए और बहुत मज़े का ये टेस्ट दे तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको फिर से मिक्स कर लें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर कर दें और चार से पाँच मिनट के लिए हल्की आँखों पर इसे दम दे दें तो यहाँ पे जी हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की बनी है तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा बहुत मज़े की बनती है घर पे आप बहुत आसानी से चिकन कढ़ाई बना सकते हैं रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ अपनी फैमिली के साथ शेयर कर दें आप नहीं भी बना रहे कोई और बना लेगा किसी और को अच्छी और मज़े की रेसिपी मिल जाएगी इसके साथ साथ जी अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें विज़ट नहीं किया तो विज़िट कर लें ताकि इस तरह की सौखी सौखी मज़े मज़े की और भी रेसिपीज़ आपको मिल जाएँ आप मेरे चैनल को विज़िट करें मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज